अच्छा पैर से प्रेस करके इसका फुटरेस्ट खुल जाएगा। वाह, और यहाँ पे भी लाइट है इसमें, पावर द चेन ठीक है। और यार देखो आप लोग देखो, काफी छोटा, एक बार सर यहाँ पे लगाना बाइक के बराबर में से मेरी। अब ये हमारी एनएस के बराबर में लगेगा तो देखते हैं कितना बड़ा ये स्कूटर है, क्या है ये। देखो यार कितना कॉम्पैक्ट सा छोटा सा स्कूटर है, और बाइक के बराबर में तो पता भी नहीं चला, लेकिन इसमें दो लोग बैठे थे और ये सिटी के लिए काफ़ी सही साबित हो सकता है। तो हम राइड करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। जो येलो वाला स्कूटर खड़ा अपना, जो अंदर रेड वाले की हमने बात करी थी, जो कि हैवी ड्यूटी इसको कह रहे हैं लोग, तो इसके बारे में और बात करते हैं ठीक है। बट एक्चुअली स्पीड जो है 35 से 40 के बीच में इजी जाता है। अच्छा अच्छा, कितना रिकॉर्ड करेगा ये? 24। अच्छा चलो, तो यार मीटर में तो कम स्पीड आएगी, और इसका एक बार एंगल देख लेते हैं। और ये काफ़ी छोटा स्कूटर है अगर देखा जाए तो, थोड़े से मिरर सेट कर लेते हैं, ज़रूरत तो पड़ती नहीं है बट फिर भी। तो इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिलता है आप लोगों को। यार ये भी काफ़ी सही है, छोटा सा और बड़ा स्मूथ है, ऐसे ऐसे आप आराम से चला सकते हो इसे। तो इस पर भी हम दो लोग बैठे हैं ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। रियर व्यू मिरर भी सही दिखा रहा है, विजिबिलिटी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। आप देख पा रहे होंगे 24 दिखा रहा है स्पीड तो। इसमें कोई मोड वोड नहीं है ना? नहीं इसमें कोई मोड। अच्छा, इसमें हैजर्ड लाइट का भी सिस्टम है, आप हैजर्ड लाइट अपना ऑन कर सकते हो। ये आपका हाई बीम, लो बीम, लाइट, लाइट बंद करनी है, सारी चीज़ों के ऑप्शन है यार इसमें। एक बड़ी अट्रैक्टिव आप कह सकते हैं कि एक बड़ी अट्रैक्टिव आपकी मीटर सा दिखता है आपको। हाँ कैमरा शायद इसको रिकॉर्ड ना कर पा रहा हो, बट जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ वो काफ़ी सही है। और इसका इतना ही राउंड काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ इसमें दिखाने को था नहीं, जो था वो दिखा दिया। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिलता है, स्टार्ट स्टॉप बटन है। एक बार ये डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं आपको साइड में लगा के स्टार्ट स्टॉप बटन के बारे में। तो सर अगर इस बटन को दबाएंगे ऑफ हो जाएगी? हाँ सर कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चाबी है ना आपके पास? चाबी इसी के अंदर होगा। हाँ है। तो दबा के रखना है या क्या? हाँ नहीं, अच्छा दबा के रखूँ इसे? बस आप इसको एक बार सिंगल प्रेस कर दोगे ऑफ हो जाएगा ना। मेरा भाई बढ़िया है। तो अभी ये बंद हो गया है, और अब ऑन करने के लिए इसे वापस दबाएंगे हम। दबा के रखना है, ये दबा के रखो और ये ऑन हो गया। ठीक है भैया, ये हो गया हमारा ऑन, और अब हम चल पड़े वापस। बढ़िया यार, सही है, थोड़ा स्मूथ भी आपको फील होएगा, और व्यू भी आप देख सकते हो, कोई ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं है। अगर आपको सिर्फ आपका ऐसा चाहिए कि आपकी मॉम वगैरह इसको घर पे राइड कर सकें, तो भी काफ़ी सही ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। तो जो अभी इसमें स्पीड दिखा रहा है 24 दिखा रहा है, लेकिन सर बता रहे हैं कि ये 40 तक जाता है। 40 तक जाएगा, वही है कि अभी देखो हम एक तो दो लोग भी बैठे हैं, और फिर भी इस छोटा सा स्कूटर है। अभी मैं आपको उतर के दिखाऊंगा कितना छोटा स्कूटर है, और फिर भी ऐसा चल रहा है, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और इसमें बैटरी भी दिखा रहा है। अभी हम एक पोर्ट होल में गए तो उसमें इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी सही था, सॉकर वगैरह भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मीटर में दिखा रहा है कि कितना किलोमीटर आप चल गए हैं, क्या आपका स्पीड है, और क्या आपकी बैटरी है अभी। इसके अलावा और तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। एक बार लाइट बंद करते हैं, तो लाइट बंद करके कोई ऐसा खास फर्क पड़ा नहीं है। तो चलिए एक बार पहुँचते हैं, आपको फिर दिखाता हूँ कि आखिर ये कितना बड़ा है और क्या है। तो भाई लोग अभी हम इसकी टेस्ट राइड ले रहे हैं, अभी मैंने जो स्टार्ट करा है अपना, पहले ज़रा एक बार इसके थोड़ा सा, अभी नॉर्मल मोड है ना इको, ठीक है। तो अभी ये इको मोड है इसमें, यहाँ पे ये आप बटन देख पा रहे होंगे, ये वाले बटन है। यहाँ से इसका हेडलाइट का ऑप्शन है, ये हॉर्न है। अच्छा हॉर्न दो जगह है इसमें, और यहाँ पर ये इंडिकेटर्स हो गए, ये आपका हेडलाइट का, आपका डिपर टाइप वाला क्या कहते हैं, हाई बीम वगैरह हो गया। ये टर्बो है, जब आप ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको ये काम में आएगा। अभी हम इस पर दो लोग बैठे हुए हैं ठीक है सर। अब ज़रा देखते हैं पहले इको मोड पे कितनी चलती है।
थोड़ा सा हुआ और ये चल पड़ी। तो अभी हमारा स्पीड आ रहा 45, ठीक है। और अब हम इसका मोड चेंज कर देते हैं और ये बढ़ गई स्पीड। ओके, तो ये स्पीड अभी जाती तो और, लेकिन हमें ब्रेक मारने पड़ गए। ये थोड़ा जर्क सा ले रही है सर। नहीं नहीं, वो इलेक्ट्रिक सेगमेंट है, वो ऐसे करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी मैं बताऊं तो जैसे मैंने चलाया है ना, वो सर पीछे को हो गए हैं, तो मतलब पावर तो बहुत है। बैटरी इसकी फुल है और ये अभी यहाँ पर थोड़े से ब्रेक लेंगे। ओवरऑल पावर इसमें काफ़ी सही है, कोई वो नहीं है दिक्कत। क्रूज कंट्रोल और आ जाए बहुत मस्त हो जाएंगे। अब हमें यहीं से अपना राइट टर्न लेना है, यू टर्न लेना है। ये क्या है ना, ये आपका जो डिस्प्ले मॉडल होता है वो है, इसीलिए इसमें अभी इन्होंने शीशे नहीं लगाए हुए हैं। भी जब अगर आप ब्रेक छोड़ोगे, जब तक अगर ये इसका सेफ्टी फीचर है, अगर ब्रेक दबा के रखोगे ना, तो ये मोटर को आगे पुश नहीं कर सकेगा। अच्छा, आपने ब्रेक का आधा रखा है ना, वो करने नहीं देगा। ओके, तो ये इसका एक फीचर है, अगर आपका ब्रेक पे हल्का सा भी हाथ है तो आपकी पावर को कट करता रहेगा। और मैं सोच रहा पता नहीं क्या हो रहा है, तो अभी मैं जैसे चला रहा हूँ सही आ रही है स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जितना हमने करा, मेरे ख्याल 65 समथिंग हमने भगाई थी। तो यार सिटी राइड्स के लिए बनी हुई है और उसमें इतनी स्पीड काफ़ी है। और ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, रिस्पॉन्सिव है बहुत ज़्यादा। मैं ये देख के हैरान हूँ यार, दो लोग बैठे हैं ऐसी बैटरी वाली स्कूटी पे, जहाँ पहले कोई नहीं चलाता था इन्हें, ना कोई बैठता था इन पे, दो जने, और ये 70 की स्पीड पे जा रही है। बहुत बेहतरीन। सर आपका वेट कितना है? 78 और 70 समथिंग मेरा है, 75। और यार इतनी सही चल रही है, और उसके बाद सामान भी आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आप देख पा रहे होंगे स्पीड 67-66 के अराउंड है, सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो अभी हम वापस चलते हैं, खड़ी करते हैं और दूसरी जो स्कूटीज़ हैं उन पे ट्राई करते हैं एक बार, और फिर आपको मिलाते हैं। और जो एक स्पेशल वाला है ना, जो विक्की वाला सिस्टम है, उससे मिलाते हैं। तो अब ज़रा देखते हैं कि यार ये आखिर ऊपर कैसे जा रही है, क्या सीन है। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बल्कि वो तो और ज़्यादा पावर आ रही है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आराम से ऊपर चढ़ गई। अच्छा भाई साहब, मैं तो वहीं से। तो अब ये आप देख सकते हैं, चार लोग बैठे हैं इसमें, कंफर्टेबल बैठे हैं। और ये सिर्फ इसलिए कि यार हम वेट देखना चाह रहे हैं इसमें, कितना वेट लेके चल सकती है। और सब मोटे मोटे हैं और बढ़िया वेट ठा के ये सही चल रही है। मेरी स्पीड 20 आ रही है। भाई सही बैठे हैं सारे? हाँ जी, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और भाई उसमें आ रही है 24 की स्पीड, और मैं दिखाऊं तो मेरी 30 की स्पीड पर चल रही है, और वो मेरे से तेज़ चल रही है। तो वही वाली बात है कि उसमें स्पीड दिखाएगा वही, बट वो तेज़ हो रही होती है। अब देख सकते हो यार कितने कंफर्टेबली चल रहे हैं। भाई मैं 35 पर चल रहा हूँ, 32 आ रही है उसमें, बहुत बढ़िया। तो ना करते करते भी अच्छा भला वज़न ये उठा रही है, 300 किलो का है इसका, और ये उससे ज़्यादा उठा रही है। तो ये 300 किलो उठा सकती है। और इसका वज़न कितना है खुद का, इसका स्कूटी का वज़न? 72 kg खुद है, 300 किलो उठा सकती है, और सब बैठे हुए हैं और बढ़िया चल रही है। चलो तो ठीक है सर, ओके।